Hello everyone, how are you? Today I am going to talk about the class 9 biology chapter 1st improvement of food resources part 8. In this video we will discuss about the animal husbandry. What is the animal husbandry? We discuss in this video. So let us start now. What is the husbandry? The branch of agriculture, that deal with a feeding, caring and breeding of domestic animals is called animal husbandry or animal farming. What is the animal husbandry? Means hum जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हम लोगों के, जैसे गोट, काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स लाइक एज हेन, हनी बी, ईटीसी, दे आर यूजफुल फॉर अस. ये हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं. और इन्हीं का जो है पालन पोषण करके अपने घर में इनसे हमें मिल्क, मीट एंड एग प्राप्त होते हैं. तो इन्हीं का जो है देख रेख करना, इनके जो है इनका ब्रीडिंग कराना और इनको रेगुलर इनका जो है रेगुलर केयर करना, देख रेख करना, यानी कि पालना, यही आपकी क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है. यानी कि एनिमल को जो कि हम लोगों के लिए यूजफुल हों, इनको पालना और इनसे सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करना ही क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री होती है. आप लोग देखते होंगे, आप लोग अपने घर में, आप विलेज एरिया के या रूरल एरिया के हैं, अपने घर में देखते होंगे गाय रखी होगी, भैंस रखी हुई होगी, मुर्गी रखी हुई, यानी कि मुर्गी रखी होगी, है ना, ये सारे चीज़ रखे होते हैं. तो अब देखेंगे जो भैंस है या गाय है, यानी कि बफेलो है, काऊ है, ये क्या देती है, हमें मिल्क प्रोवाइड करती है ना. उसी तरह से हेन है, हेन क्या करती है, एग प्रोवाइड करती है और मिल्क प्रोवाइड करती है. उसी तरह से ये फिश है, फिश क्या करती है, हमें मीट प्रोवाइड करती है, ठीक है. हनी बी है, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, हनी प्रोवाइड करती है. मीन्स जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनको हम लोग पालते हैं, पाल करके इससे हमें यूजफुल जो है फूड्स ऑब्टेन होते हैं. तो यही प्रोसेस, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, या देख रेख करना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है. आप देख सकते हैं फिर से एक बार, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है. मीन्स एग्रीकल्चर का वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम डोमेस्टिक एनिमल का देखभाल करते हैं, उसकी ब्रीडिंग कराते हैं और उनसे कुछ यूजफुल फूड और यूजफुल फूड आर यूजफुल मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं. ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हस्बेंड्री. द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री आर एनिमल फार्मिंग. इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल फार्मिंग बोलते हैं. एनिमल फार्मिंग की बात अगर करें तो ये वेरियस टाइप की होती है. अगर हम बफेलो है और काऊ है, इसको जो हम क्या करते हैं, इसकी फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करती हैं, तो इनको बोलेंगे कैटल फार्मिंग. यानी कि गाय और भैंस, इसको जो है हम अगर इसको पालते हैं, पालते पोसते हैं, तो इसको बोलेंगे कैटल फार्मिंग. तो देखिए कैटल फार्मिंग जो होती हैं, कैटल फार्मिंग में आपके बफेलो आ जाएंगे, गोट आ जाएगी, सिप आ जाएगी, है ना, और आपके
और अदर्स एनिमल्स आ जाते हैं, तो ये कैटल फार्मिंग है, ठीक है। तो इन्हें हमें, इनसे हमें क्या ऑप्टेन होता है, इनसे हमें बीट ऑप्टेन होते हैं और मिल्क ऑप्टेन होते हैं, है ना। एंड अगेन देखिए पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग का मीन्स मतलब ये होता है कि जितने भी हेन है, मुर्गा है, हेन यानी कि मुर्गा है, मुर्गी है, इन सबों का जो है पालन पोषण करना या फार्मिंग करना ही क्या कहलाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। यानी कि जो हेन है, हेन को जो है हम लोग क्या किए, पाले पोसे और उससे हमें क्या मिला, ऑप्टेन किए मीट एंड एक ऑप्टेन किए, यही जो है फार्मिंग क्या कहलाती है, पोल्ट्री कहलाती है। पोल्ट्री फार्म मीन्स इन पोल्ट्री फार्मिंग वी फार्मिंग दी हेन्स, है ना। मीन्स इन दिस फार्मिंग वी फार्मिंग दी हेन्स एंड फिश फार्मिंग जस्ट लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, दीज आर इन दिस फार्मिंग वी फार्म दी फिश एंड इन बी फार्मिंग, इन दिस फार्मिंग वी फार्म दी बी एंड बी प्रोवाइड दी हनी एंड फिश प्रोवाइड दी मीट एंड पोल्ट्री फार्मिंग हेन प्रोवाइड एग एंड मिल्क एंड कैटल फार्मिंग दे प्रोवाइड मीट एंड मिल्क। सो दीज आर द कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी फार्मिंग। अगेन वी स्टडी अबाउट दी ब्रीड ऑफ काउ। व्हाट इज द ब्रीड, ब्रीड मीन्स हाइब्रिड, संकर मीन्स इनकी कई स्पेसीज होती हैं, जातियाँ होती हैं, यही इनके क्या हैं, ब्रीड्स हैं, है ना। देख लेते हैं ये सेम स्पेसीज के जो है, ये सेम स्पेसीज के ब्रीड्स होंगे। मीन्स देख लेते हैं आप यहाँ पे ब्रीड्स ऑफ काउ, गिर, सहिवाल, रेड, सिंधी, डीडी, मालवी, निगरई, हालिकर, कंगयम, अनगोल, कनकेड रेज, कनकरे, ये थार पार्कर ये सारे हैं ब्रीड्स हैं। ये किसके ब्रीड्स हैं, काऊ के ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स ऑफ बिफेलो, यानी कि काऊ की जो स्पेसीज है, जातियां हैं, ये डिफरेंट टाइप की जातियां हैं, उन्हीं का ये क्या है नाम है। ये सारी जो जातियां हैं उन्हीं का ये सब नाम है। उसी तरह से ब्रीड ऑफ बुफेलो, बुफेलो की जो जातियां होती हैं, यानी कि भैंस की जो जातियां होती हैं, उनमें मुर्रा, ये मुर्रा जो है हरियाणा और पंजाब में मिलती है। अब मेहसाना जो होती है गुजरात में मिलती है। सुरथी जो मिलती है वो गुजरात में मिलती है। तो ये क्या है, स्पेसीज है, इनकी जातियाँ, या इसको कहेंगे ब्रीड ऑफ बफेलो। और ये जो सारे ब्रीड्स हैं वो क्या है, काऊ के ब्रीड्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक बार ब्रीड्स के बारे में, ब्रीड्स क्या है। ए ब्रीड्स इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स का ग्रुप है, कॉमन ओरिजिन विथ ए स्पेसीज, जो कि एक स्पेसीज से ओरिजिन होता है, डेट हैज सर्टेन डिस्गस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट फाउंड इन अदर मेंबर ऑफ सेम स्पेसीज, इन सेम स्पेसीज में अदर मेंबर्स नहीं। तो यही आपकी क्या है, ब्रीड है। ये क्या ब्रीड मीन्स स्पेसीज, डिफरेंट टाइप की स्पेसीज जो होंगी वो क्या है, आपकी ब्रीड्स हैं, समझिए। देखे होंगे कई टाइप के जो है काऊ को देखे होंगे, है ना, अपने रूरल एरिया में, अपने गांव वगैरह घर में कई टाइप की जो है काऊ को देखते होंगे, गाय को देखते होंगे, है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप की गाय की जो नस्लें होती हैं, इन्हें नस्ल, अलग अलग टाइप की नस्लें होती हैं, यही नस्ल क्या है, अलग अलग ब्रीड है, ठीक है। अब देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग।
पोल्ट्री फार्म होती क्या हम लोग स्टडी किए हैं अभी, फिर देख लेते हैं। द पोल्ट्री इंडस्ट्री विथ इन प्रोडक्शन इन द फार्म ऑफ एग एंड मी अ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस इन प्रोवाइडिंग ए बैलेंस्ड डाइट फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बैलेंस डाइट प्रोवाइड होता है किसके द्वारा, पोल्ट्री फार्म के द्वारा, जो कि हेन से प्राप्त होते हैं, है ना, किससे, हेन से प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब है ये हेन्स का फार्मिंग करना, और इससे हमें जो मीट एंड एग ऑप्टेन होते हैं वो क्या करते हैं, बैलेंस्ड डाइट के रूप में होते हैं। तो ये आपका क्या रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। अब देखिए पोल्ट्री ब्रीडिंग, जैसे इसमें ब्रीडिंग होते हैं, नस्लें होती हैं अलग अलग टाइप की, जो नस्लें होती थी गाय की, यानी कि काऊ की नस्लें जो है डिफरेंट टाइप की, और बफेलो की नस्लें जो है डिफरेंट टाइप की थी, और उसी तरह से पोल्ट्री में देखें तो इसमें पोल्ट्री में भी जो हेंस हैं, कॉक हैं, इनकी वेराइटी जो क्या होंगे, अलग अलग टाइप की होंगे। तो देख सकते हैं पोल्ट्री ब्रीड में देसी आर इंडिजुअस ब्रीड, इनमें कौन है, एसील है, इसमें क्या है, एसील, चीता गोंग, कीटे गोंग, घागस एंड बर बसरा। देखिए एसेल, कीटे गोंग, घागस एंड बसरा, ये क्या है, इनके नस्लें हैं, यानी कि इनकी ब्रीड है, पोल्ट्री के ब्रीड है। इनमें फर्स्ट आपकी है देसी, है ना, देसी में आप देख सकते हैं वेराइटी ऑफ एसेल आर इंडियन गेम, इनको इंडियन गेम भी कहा जाता है। एग्जांपल पीला, जो पीला नस्ल होती है, ब्रीड होती है, वो क्या है, गोल्डन रेड के जो आपको जो काक और हेंस दिखती हैं वो क्या है, पीला है। और याकूब ब्लैक एंड रेड कलर की होगी, जो याकूब होगी वैरायटी नस्ल होगी वो क्या होगी, ये ब्लैक एंड रेड होगी। एंड नूरी जो होगी वाइट कलर की होगी, ठीक है। काजल किस कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। तो ये क्या चीज़ है, एसेल है या इंडियन है, ये एसेल या इंडियन है, ठीक है। देसी में एसेल है, ये देखिए देसी है और देसी में एसेल है, ठीक है। अब देखो एक्सोटिक ब्रीड्स, ये फॉरेन कंट्री के ब्रीड्स होते हैं, किस कंट्री के, फॉरेन यानी कि अदर देश के, दूसरे कंट्री के। जैसे एक्सोटिक ब्रीड्स में मीन्स वेराइटी ऑफ अदर कंट्री आर फॉरेन ब्रीड, दीज आर द फॉरेन ब्रीड, यानी कि दूसरे देश का ब्रीड होगा, ये दूसरे देश की नस्ल होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लेग हॉर्न रोड एंड आइसलैंड रेड एज ब्लैक। देखिए आइसलैंड रोडी आइसलैंड रेड, ये जो वैरायटी है आपकी है ब्लैक मिनोरका पॉलीमोंथ एंड लाइट ससेक्स, ये सारी क्या है, वैरायटी हैं, किसके, अदर कंट्री से जो हेंस आती हैं या काक आते हैं उनकी वैरायटी है, अदर कंट्री की, इसीलिए क्या है, एक्सोटिक हैं। एंड थर्ड आप देखेंगे क्रॉस ब्रिड्स आर इम्प्रूव्ड ब्रिड्स ऑफ पोल्ट्री, यानी कि ये क्रॉस होंगे, क्रॉस कराए जाएंगे, एक इंडियन कंट्री का होगा, एक अदर कंट्री का होगा, इनमें क्रॉस होगा, क्रॉस से जो आपके जो ब्रिड्स मिलेंगे उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रिड आर इम्प्रूव्ड ब्रिड ऑफ पोल्ट्री। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एच एच
260, IBL 18, B67 एंड ILS 82। ये सारे क्या है? क्रॉस ब्रीड्स हैं। ये सारे क्या है? क्रॉस ब्रीड्स हैं। नेम ऑफ डिजीज ऑफ पोल्ट्री, यानी कि जो हेंस में और कॉक्स में है ना, जो डिजीज होते हैं, जिस डिजीज के कारण ये डेथ करती हैं, उन डिजीज का नाम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज, डर्मेटिस। डर्मेटिस जो डिजीज होता है वो जो है उनके स्किन पे होता है, वायरस इफेक्ट करता है, कौन? वायरस, वायरस से होता है। पोलवॉक्स, पावल वॉक्स, ये भी वायरस से होता है। पावल कोलरा, ये बैक्टीरिया से होता है। स्पर्जिलोसिस, ये फंगस से होता है। तो ये सारे डिजीज हैं जो कि कॉक वगैरह में या हेंस में पाई जाती हैं, बर्ड्स में पाई जाती हैं, है ना। तो ये पोल्ट्री फार्म रहा। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट दी हस्बेंड्री एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट दी कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। एंड अगेन वी डिस्कस अबाउट दी फिश फार्मिंग एंड बी फार्मिंग डीपली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe this video. Thanks.